ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव बड़ सिकरी एक छोटा हा गांव है, तहसील कहलायत और जिला कैथल में फिलहाल आप पहुँचे हैं। और उस गांव में एक बेटी, चार बहन भाई, उसका एक सपना था जो शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ सिकरी में पढ़िया कर दी, प्लस टू क्लास बी से स्कूल तक करी। उसका सपना था कि नाम ज्योति है, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी इंसान का कुछ ना कुछ सपना आया करे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अकेला ज्योति नहीं रहना, या ज्योति का पीछा अपना जो गोत्र हो, कई बार गोत्र लगा दिया करा, वो नहीं रहना, यानी नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो बहुत बड़ी बात हो है, किसी चीज़ का एक टारगेट लेकर चलना, डॉक्टर का एक टारगेट लेकर चलना। और भाई कोई वाह बात है, छोटा है नहीं होने के, गांव में छोटा हॉस्पिटल कर लिया, उसमें आगे नाम डॉक्टर लगा लिया ना, बढ़िया एक पोस्ट पे। तो यह जो गुड़िया अपने साथ खड़ी है, कम उम्र में CHO बनी है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पानीपत इनकी ड्यूटी है। सारी जानकारी इस गुड़िया तले होंगे। तो गुड़िया, सबसे पहले आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। एक बार आप अपना पूरा परिचय दे दो। मैं डॉक्टर ज्योति ढुल, अभी 2 महीने पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर जिले पानीपत में नियुक्त हुई हूँ। अपने परिवार के बारे में बताओ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, चार बहन भाई हैं, और अगर मैं बात करूं 2 बुआ हैं, चाचा चाची, मतलब मेरा पूरा बड़ा परिवार है। और ज्योति, एक बार जब आप परिचय दे हो, आप बोलो डॉक्टर ज्योति, तो मतलब आपके फेस पे एक अलग स्माइल दिखे है। डॉक्टर क्यों, मतलब डॉक्टरी का सपना क्यों था? बस सपना देखा, बस जैसे जब था साइंस आई, जब मतलब 9th क्लास में, ऐसा होता है ना एक साइंस सब्जेक्ट होता है कि आगे, तब हम सब डिसाइड कर रहे थे क्या बनना है, क्या बनना है, पता नहीं एकदम से दिमाग में आ गया आउट ऑफ स्पेस कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। क्योंकि पहले तो ऐसे भी था कि छोटी 5th 6th क्लास में तो मैं भी एक बार बोल देती कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, लेकिन जो असली वाला सपना होता है वो मेरे डॉक्टर बनने वाला था। और मतलब मैंने सोचा था कि मुझे तो नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, ऐसा सोना सोना सा नाम लगेगा, ऐसा ज्योति अकेला, तो डॉक्टर ज्योति काफ़ी अच्छा लगता है नाम सुनने। अच्छा, आपकी पढ़ाई के बारे में बताओ, कितनी करी, कहाँ से करी? मेरी पढ़ाई के बारे में बात करूँ, मैंने 10th क्लास तक मैंने शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे, जो मेरी आउट कब गया 10th, मैंने 2014 में आई थिंक पास, हाँ 2014 में पास किया था मैंने। और फिर जैसे जो बोलते हैं बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चे का आगे पढ़ने के लिए, जो बेस स्ट्रॉन्ग हुआ मेरा स्कूल से हुआ, शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ के टीचर्स ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी और साइंस में इंटरेस्ट बना। फिर उसके बाद 11th 12th मैंने वैसे MDN सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी थी, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप किया था। और ड्रॉप करने के बाद भी एक थोड़ा स्ट्रेस वाला सा सीन हुआ था कि ड्रॉप में मतलब MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर मैंने तो पेरेंट्स ने थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं सिर्फ यही थोड़ी है, और बहुत मौके देती है ज़िंदगी, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया कि अभी अभी तो स्ट्रेस मत लो, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो फिर उन्होंने हौसला दिया। फिर मैंने एक बार और कोशिश की, फिर मेरी अच्छी रैंक आई MBBS में तो नहीं, पर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन BAMS में हुआ मेरा। और मैंने 5.5 साल जो की डिग्री होती है हमारी, 4.5 साल की एकेडमिक्स, 1 साल की इंटर्नशिप, और मैं इंटर्नशिप कर ही रही थी वैसे मैं साथ। कहाँ से करी आप? इंटर्नशिप मैंने 6 महीने तो मेरे कॉलेज से ही थी, और जैसे मैंने खानपुर कॉलेज से मैंने पास आउट हूँ, BPSMV खानपुर, और वहाँ से 6 महीने इंटर्नशिप वहाँ पे, और फिर 6 महीने हिसार सिविल हॉस्पिटल में मैंने इंटर्नशिप की है। और फिर उसके बाद मैं साथ में PG की भी तैयारी कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और फिर साथ में ये जॉब थी, जॉब के लिए वैकेंसी निकली जब, तो मैंने उसकी तैयारी की और उसमें मेरी अच्छी रैंक आई। फिर जिस दिन रिजल्ट आया उससे पिछले, मतलब पिछली रात क्या चल रहा था दिमाग में आपके? जिस दिन हम एग्ज़ाम दे के आए थे उसी दिन चल रहा था, उसी दिन शाम को ही रिजल्ट आ गया था। अच्छा। हाँ, दिन में चंडीगढ़ एग्ज़ाम था, चंडीगढ़ कितने घंटे बाद मतलब रिजल्ट आया एग्ज़ाम? रिजल्ट 8 घंटे बाद आ गया होगा। जैसे 8 घंटे कैसे कैसे निकाले वो, बस मैं बता रही हूँ, जैसे हम चंडीगढ़ एग्ज़ाम दे के आए थे, एग्ज़ाम दे के तो सफ़र थोड़ा लंबा था काफ़ी, चंडीगढ़ से हिसार तक का, फिर जाके थोड़ा रेस्ट ही कर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतना जल्दी, बट थोड़ी टेंशन थी कि एग्ज़ाम तो दिया ही है, अच्छा तो जा रहा है, हमें ना अंदर से एक वाइब आ जाती कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो मुझे वो वाइब आई थी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। फिर उसके बाद एकदम से लिंक आते हैं ना व्हाट्सएप, एक अच्छा सोशल मीडिया है वो भी, तो वो एकदम से लिंक आया कि रिज़ल्ट आ गया, मैं होश उड़ गए मेरे कि अच्छा रिज़ल्ट आ गया, मैं नहीं चेक कर रही। फिर उसके बाद था ज़्यादा, एक बार होता है ना स्ट्रेस, एक तो उम्मीद होती है कि मेरा हो जाए, लेकिन ऐसा होता है कि अगर नहीं हुआ तो, मतलब स्ट्रेस तो काफ़ी था, बट फिर देखा और
मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ रखे हैं। फिर उसके बाद 76 73, मैं थोड़ा गलती से वहाँ पे 76 स्लिप हो गया था, 73 थे, लेकिन वो मार्क्स बढ़ के मेरे 74 हो गए थे। एक मार्क्स, एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, उसके दो राइट आंसर थे, तो वो एक मार्क्स बाद में बढ़ गया था, 74 मार्क्स थे। तो मैंने चेक किया, मुझे लगा 100 में 74 मेरे तो नहीं आएगी। फिर मैंने रोल नंबर अच्छे से चेक किया, दो तीन बार चेक किया, नहीं हूँ। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स को चेक करवाया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम देखो। फिर उन्होंने भी देखा कि हाँ है। तो फिर मैंने घर पे बात की, मेरे ऐसे हाथ कांप रहे थे कि देखो मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पक्का है। मतलब खुशी में भी हाथ कांपने लग गया। बिल्कुल आते हैं, और घर मेरे तो हाथ कांप रहे थे, घर वालों के तो आंसू आ जाते इतने में कि अच्छा, और नहीं तो क्या। वो फ़ोन पे 14,000 की तो मिठाई बांटी है मेरे घर वालों ने। इतनी खुशी थी। हाँ, देश की लड्डू बांटे थे, बहुत खुशी। अच्छा, अभी मतलब स्कूल की तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया, 51,000 रुपये के लैपटॉप के रूप में आपको प्रिंसिपल सर ने दिए, और इतनी गर्मी में जिस तरीके से हम देखने लग रहे थे, मतलब आपके जो प्रिंसिपल हैं बहुत अच्छे, कितना अच्छा तरीके से मोटिवेट कर रहे थे, कितना अच्छा तरीके से बोल रहे थे, तो लगा कुछ के आप 9 साल बाद दोबारा इस स्कूल में आयु जहाँ से आपने पास आउट किया। ये स्कूल मेरे परिवार की तरह है, और प्रिंसिपल सर तो भगवान जैसे हैं। सर प्लीज़ आप यहीं पे आ जाइए। मतलब इन्होंने जैसे मुश्किल वक्त में इन्होंने जो हमारा साथ दिया ना, हम कभी नहीं भूल सकते। अच्छा ज्योति, आपने एक स्पीच में स्टेज पर भी बोला था कि मुश्किल वक्त, देखो पढ़ाई के अलावा भी कोई मुश्किल वक्त था, एक मतलब पारिवारिक समय था, मतलब मैं उसका पूरी डिटेल्स तो नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा था कि भी कुछ इंट में थोड़ा नहीं, बस ये था कि उस फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, और थोड़ा सा मतलब पापा आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी। हाँ, आर्थिक स्थिति नहीं थी एक समय पे, तो इन्होंने कहा कि फीस की कोई टेंशन नहीं है, शिक्षा पहले है, मतलब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं ये हर बच्चों, किसी आज तक मैंने नहीं सुना कि इन्होंने किसी भी बच्चे को फीस के लिए बोला हो, बिल्कुल भी नहीं। आप ये मानती हो कि एक वक्त था कि आपके पास, नॉर्मल सी बात है, होती है आर्थिक, पूरे 2 साल की बात है। अच्छा। मतलब उन्होंने पूरे 2 साल भी ऐसे किया था, और उसके बाद भी कभी, मतलब किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं आप स्कूल के, कि इन्होंने कभी पैसे को अहमियत दी नहीं, उतना शिक्षा को ज़्यादा अहमियत दी है, मॉरल्स को दी है, डिसिप्लिन को दी है, इनको सिर्फ एक चीज़। तो मतलब आप ये मानती हो कि आपके पास सीधी सी बात है फीस के पैसे नहीं थे, तो इनकी इंसानियत ने आज आपको डॉक्टर बना दिया। अगर ये स्कूल से, मतलब बहुत बार होता है 6 महीने वेट कर सकते हैं, उसके बाद फोर्स भी हो सकता है, फीस के बिना घर भी भेज सकते हैं। जी जैसे मेरे से बोला नहीं जा रहा। चलो एक बार तब तक आप ठीक हो। राम राम जी। राम राम जी। आप भी अपना परिचय। पहले तो विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो एक बहुत बड़े जन समूह तक आप हमारे स्कूल की जो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसका प्रचार प्रसार करें। और आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। आपकी एक बेटी, स्कूल का जो गौरव और जो मान बढ़ाया, उसके अलावा हम आपकी इंसानियत को सैल्यूट करते हैं कि मतलब एक प्राइवेट स्कूल का कोई भी टीचर, और आप तो मतलब प्रिंसिपल, एक जिम्मेदारी इसके मालिक हो। बहुत बार देखा गया कि पहले तो प्राइवेट स्कूल मतलब बालका ने भेज दिया करते, क्योंकि सीधी ही बात है भाई, सरकारी स्कूल में तो कुछ भी हो, बालक दो या ना दो, तनख्वाह सरकार देवे, लेकिन बालका की फीस तो स्कूल चले। और 2 साल आपने इस बेटी को फीस का मतलब ये एहसास ही नहीं होने दिया कि फीस जरूरी है। सर, मैंने कभी भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी फीस को कभी भी। बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, और बच्चे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, यूनिक बच्चे हैं, और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिशा में देता हूँ, किसी भी प्रकार का मोटिवेशन में करता हूँ, तो बच्चे उसको अपने मतलब बहुत ही जोश के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा तो है, मैं तो एक सेनापति हूँ, सेना का काम है लड़ना, और पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ का पूरा जान झोंक देता है। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने टीचर्स को ये क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरी पूरी फैमिली को देना चाहूँगा जो सपोर्ट करते हैं, और यहाँ के गाँव के लोगों ने या आसपास के गाँव के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे पास जब एक छोटा सा स्कूल अंदर हुआ करता था, उसमें भी बहुत सारे लोग कभी पंखा देंगे, कभी पानी की टंकी देंगे, मतलब गाँव का सहयोग रहा है, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है सर। गाँव की वजह से ही आज ये संस्था आप हुई है, और इतनी बुलंदियाँ छुई है इस संस्था ने। और मैं महावीर जियों की बात करूँ, इसके 4 बच्चे मेरे पास पढ़े हैं, चारों के चारों यूनिक है, इन्हीं के नाम से इस संस्था का नाम रोशन हुआ है। अच्छा, इन्हीं की वजह से। सबसे बड़ी बेटी मेरी यही है, और इसने ये क्या है, इसके पीछे सारे के सारे बहुत सक्सेस हैं, इनके महावीर जियों के बच्चे जो हैं आज ये जो, इसी प्रकार से पीछे IITN बनी थी हमारी बेटी एक मंजीत जो थी, उसने भी बड़ा, उससे भी बड़ा एक्साइटिंग आया स्कूल में, जोश आया बच्चों में बहुत ज़्यादा सर। तो वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उन्हें ये दिखा नहीं कि राम निवास के अंदर इंसानियत भी है, काबिलियत भी है, तभी तो मतलब गाँव का सपोर्ट आपके साथ है। बहुत बढ़िया सर, और सारा का सारा गाँव का सहयोग है। ये मैं कल्ला नहीं कर सकता था, जितना ये संसार छोटा सा मैंने खड़ा किया है, ये संसार में पूरा गाँव का, पूरे इलाके का जो रोल है,
ये सहयोग है बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोगों का इतना सहयोग मेरे ऊपर, इतना आशीर्वाद रहा है, मैं नहीं सोचता था। एक बार उस वक्त पर जाऊँगे जब जिस टाइम ज्योति के पास मतलब फीस के पैसे नहीं थे, आपकी फीलिंग क्या थी, क्यों मतलब आपका दिमाग में ये नहीं आई भाई फीस नहीं है, 6 महीने वेट कर लिया, 1 साल कर लिया, 2 साल तक दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में कुछ नहीं था, वो एक कभी न कभी अचीवमेंट लेके आऊँगे और इनकी वजह से ये संस्था जो आप होगी फाइनेंशियल चलता रहेगा, कोई बात नहीं। बस मेरा एक मोटिव था कि बच्चों जो टीचर का जो है सैलरी निकलनी चाहिए और मुझे ज़्यादा किसी भी प्रकार की कोई बचत की जरूरत को नहीं थी सर, आज भी नहीं है। मैंने एक बस ये ठीक है, ये सहयोग से जुड़ गया, गाँव के लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, हर तरह से सहयोग किया, फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी सामाजिक तक मैं बात करूँ, हर तरह से लोगों ने मेरा। आज कितनी खुशी हुई 9 साल बाद वाई ज्योति दोबारा आपके स्कूल में आई, स्कूल द्वारा सम्मानित करी गई, और मतलब आपके लिए तो एक बहुत बड़ा गौरव होगा, पल होगा कि भाई 9 साल पहले आप जिस पेड़ ने एक छोटा पौधा कह लो आपने जो लगाया था, आज उसने इतना फल दिया है कि जिसका मतलब कोई शब्द नहीं। मैं पहले यही सोचता था कि ये 2-3-4 लड़कियां मेरे स्कूल में यूनिक थी बहुत ज़्यादा, और मैं हमेशा ही जैसे प्रेयर में इनको मोटिवेट करता था, बेटा मैंने कई बच्चों के अंदर डॉक्टर IPS IAS दिखता है, तो उन्हीं से को लेकर के ये जो है इतने मतलब उस टाइम तो मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, उसी टाइम से इन्होंने वो अपना टारगेट, वो अपना गोल, वो अपना लक्ष्य बना लिया था कि मैंने डॉक्टर। ज्योति ने फिर बाद में मेरे को बताया कि मैंने तो डॉक्टर बनना है सर, कई बार मैं पूछता था बेटा, फिर हमारा आशीर्वाद साथ साथ चलता है, और टीचरों का मोटिवेशन तो पता नहीं कहाँ तक बच्चे ने किन ऊंचाइयों पर लेके जाता। ये कैश काम नहीं पूत के पाँ पालना मतलब 2014 में इनके पाँ देखिए, बिल्कुल जी, 4-5 लड़कियाँ ऐसी थी, मैं हर बार कहता था, आज भी मैं कहता हूँ कुछ बच्चे यूनिक है स्कूल में, बहुत सारे बच्चे यूनिक है, अभी मुझे उन बच्चों में IPS IAS दिखता है, और मैं बच्चों को समय समय पर ये बात बताता हूँ कि बेटा आप ये नहीं कहता कि ये IAS है, मैं एक सिर्फ और बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे जाता हूँ, जिस चेहरे पे जाता हूँ मुझे उसमें अफसर दिखाई देता है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।